देखो मित्रों, सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो कुछ सिंध में हो रहा है आजकल, जो भी सिंध में हो रहा है वो एक आइडियोलॉजिकल जो वार थी, आइडियोलॉजिकल जो एक नुक्ते नजर था, और वो नुक्ते नजर उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 47 से। यानी 47 में एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, हिस्ट्री का बहुत बड़ा ब्लेंडर था के मजहब के नाम पे, यानी इस्लाम के नाम पे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया। और ये जो डिवीजन थी, ये जो तकसीम थी, ये अननेचुरल थी। और मजहब के नाम पे कोई कौमियत नहीं होती, मजहब के नाम पे कोई कौम नहीं होती। और ये मैं समझता हूँ कि उस टाइम की जो इंडियन पॉलिटिकल जो क्यादत थी, जो लीडरशिप थी, उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि हिंदुस्तान को मजहब के नाम पे कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, इस पे डिवीजन हो गई। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा। हमारे सिंधी हिंदू, हमारे जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो हमारे लीडर हैं, परचे विद्यार्थी हश्यू केवल रामाणी उनका नाम था, उन्होंने 1900 यानी 34 और 35 में एक डिबेट हो रही थी यूके में, और उसने अपनी स्पीच में कहा था कि हम सिंधी जो हैं वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते, लेकिन हम सिर्फ सिंधी होते हैं। तो इसी तरह ये जो मुसलमान और हिंदू की जो डिवीजन थी, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था, एक गलती थी जिसपे हम लोगों को जितना भी यानी आज जो कुछ भी हो रहा है हम वो भुगत रहे हैं। हिस्ट्री के उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं आज। और आपने देखा होगा कि 71 में जो बंगाल अलग हो गया, बंगाल की आजादी ने उस मुस्लिम कौमियत को दफन कर दिया कि मुसलमान और मजहब के नाम पे कोई कौमियत नहीं होती। मैं समझता हूं कि हिस्ट्री ने हमारे साथ एक दूसरा धोखा ये किया है कि गांधी जी के जगह पे मोदी जी को पैदा होना था, और अगर मोदी जी पैदा होते गांधी की जगह पे तो मैं नहीं समझता कि ये डिवीजन होती, और ये जो मजहब के नाम पे हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो कोई तकसीम होता। आगे चलते हैं। जो आपने सवाल किया कि जब, क्योंकि मैं एक और वजाहत कर लूं कि जिना जो थे ना, जिना जो थे वो अंग्रेज के पट्टू थे, दलाल थे, वो कोई लीडर नहीं थे। और ये डिवीजन जो थी, ये एक उस टाइम की इंटरनेशनल एक कंस्पायरेसी थी, एक साजिश थी जिस पे जिन्ना को खड़ा किया गया कि भाई तुम ये मुकालबा करो, अंग्रेज को ये डिवीजन करनी थी। जिन्ना का रोल जो था एक एक पट्टू का रोल था, और उसने इस सारे, क्योंकि अंग्रेज की इस मर्जी के सिवा और इस साजिश के सिवा ये चीज होनी नहीं थी। सो आगे चल के साईं जीएम सैयद ने सबसे पहले जिस शख्स ने नुक्ते नजर दिया कि भाई ये जो हम मुसलमान कौम नहीं है, हम इसको डिनाई करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अभी साईं जीएम सैयद ने जो है करारदाद पाकिस्तान की सिंध असेंबली में पेश की थी, ये बिल्कुल एक एक जुजवी तौर पर एक चीज है, लेकिन साईं जीएम सैयद ने जिन्ना से इख्तलाफ किया था 1946 को, कि उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ भी कर रहे हो मजहब के नाम पे, एक अलग मुल्क की जो डिमांड है ये अननेचुरल है, हम इसको कबूल नहीं करते, क्योंकि ये पंजाब का कब्जा आगे चल के बनेगा, पंजाब की साजिश बनेगी। हमारे जो उस टाइम पे जितने भी हमारे लीडर थे, जितने भी हमारे रहनुमा थे, उन्होंने इसको जो है डिनाई किया था, लेकिन क्योंकि ये साजिश के तहत बन गया। उसके बाद क्या होता है, हिस्ट्री का दूसरा जो पहलू शुरू होता है वो 1971 को होता है, बंगाल की आजादी के बाद। यानी एक बात आप यहां समझें कि अगर सपोज अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, पहली बात तो हिंदुस्तान के मुस्लिम पॉपुलेशन ने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की थी, वो डिमांड मुस्लिम लीग के चंद लोगों की थी, अंग्रेज की साजिश थी, जिन्ना का पट्टू वाला किरदार था, कैरेक्टर था उसका, और जो चंद लोग थे मुस्लिम लीग के जो उंगलियों पे गिनने वाले, उन्होंने मिलके जो पाकिस्तान की अगर डिमांड की थी उसको आप समझें कि 1971 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन अगर आप काउंट करें 54% बंगालीज ने उसको दफन कर दिया, इनकार कर दिया कि ये पाकिस्तान नहीं है, मुस्लिम कौमियत नहीं है।
यानी उन लोगों ने खून बहाया। 30 लाख बंगालियों का जो कत्लेआम किया था पंजाबी फासिस्ट और यजीदी फौज ने, यानी उन बंगालियों ने वो जो कुर्बानी दी थी वो इस पाकिस्तानी कौमियत के खिलाफ अपना खून बहा के दी थी, जो मुस्लिम लीग, यानी एक दिन के लिए भी जिन्ना जो है वो जेल भी नहीं जाता। इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि दुनिया के जितने भी इंकलाब हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें खून बहता है, लोगों की कुर्बानियां होती हैं, जदोजहद होती है, जेल काटे जाते हैं, लेकिन जिन्ना को 1 घंटे के लिए भी अंग्रेज ने जेल में ही नहीं डाला और उसने मुल्क बना लिया। और एक करारदाद के तहत, करारदादों से मुल्क नहीं बना करते, मजहब के नाम पे कौमियतें कौमें नहीं बना करती। हम हजारों सालों से सिंधी हैं, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। हमारे आज भी जो हीरोज हैं, हमारे हीरो जो हैं, आपको पता होगा कि साईं जीएम सैयद, उससे भी पहले हमें जो शाह जो रिसालो, साईं शाह लतीफ भिटाई का जो रिसाला है वो जो हमको दिया गया है, वो कल्याण आडवाणी ने हमें तर्जमा करके दिया, वो डॉक्टर गुरबख्शाणी ने हमें जो है तर्जमा करके दिया, वो हमारे सिंधी इंटेलेक्चुअल्स थे, हमारे हीरो थे। सो इस हवाले से जो डिवीजन थी वो हमारे गले में पड़ गई है।